जब आप अपनी किसी फ्रेंड्स की हैंडराइटिंग देखते हैं तो आपके भी मन में यही सवाल आता होगा कि क्या कमाल का लिखता है, क्या मैं इसके जैसा नहीं लिख सकता। अगर मैं इसके जैसा लिख लेता ना तो मजा आ जाता। और आप कई बार वैसा लिखने का ट्राई भी किया होगा लेकिन फेल हो गए होंगे। लेकिन अब आप फेल नहीं होंगे क्योंकि आपके साथ है अब आपका ब्रो, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। भले ही आपका फ्रेंड्स आपको नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका हैंडराइटिंग इतना स्मूथ हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्त, हैंडराइटिंग से आपका एग्जाम में बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि आपका 10% नंबर सिर्फ हैंडराइटिंग से बढ़ जाता है तो शायद आप नहीं मानेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बढ़ता है। देखो, सुंदरता किसी को भी इम्प्रेस कर लेता है। 100 लोगों में होगा तब भी दिख जाएगा। बस वही आपका एग्जाम में भी होता है। जैसे आप इम्प्रेस हो जाते हैं अपनी फ्रेंड्स की हैंडराइटिंग को देख के, वैसे ही एग्जाम कॉपी को चेक करने वाले टीचर भी इम्प्रेस हो जाते हैं आपके हैंडराइटिंग को देख के। और इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है दोस्त। जब हम नर्वस होते हैं और अचानक जब हमारे सामने कोई अच्छी चीज आ जाए तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं और उस चीज को हम कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर देते हैं। और ऐसा ही उस टीचर के साथ होता है जो हमारे एग्जाम कॉपी को चेक कर रहे होते हैं। जब टीचर कॉपी को चेक कर रहे होते हैं तो उनके सामने कई तरह के हैंडराइटिंग आता है। बहुत गंदा हैंडराइटिंग भी आता है, कुछ अच्छा भी आता है और कुछ बहुत अच्छा भी आता है। और जैसे ही बेस्ट हैंडराइटिंग आता है टीचर एकदम से खुश हो जाते हैं कि क्या लिखा है। और जब टीचर खुश हो जाए तो फुल मार्क्स देना बनता है। और इंसान का फितरत भी है कि वो अच्छी चीजों को नकार नहीं सकता। तो इसलिए दोस्त, बेस्ट हैंडराइटिंग है तो नंबर भी बहुत कम कटता है, और वहीं खराब हैंडराइटिंग है तो 5 नंबर के जगह पर 3 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर ही मिलेगा। तो दोस्त, ये रहा बेस्ट हैंडराइटिंग के साथ नंबर का खेल। अब हम बात करते हैं कि अपने हैंडराइटिंग को सुधारे कैसे। नंबर 1, पेन को पकड़ने का तरीका क्या है। दोस्त, हर स्टूडेंट का पेन पकड़ने का तरीका अलग है, पर हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा खराब तभी होता है जब हमारा पेन पकड़ने का तरीका गलत होता है। दोस्त, आप किसी भी प्रकार से पेन को पकड़े, पर पेन पर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। अगर आप पेन पर प्रेशर डालते हैं तो 80% चांस है कि आपका हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगा, क्योंकि प्रेशर डाल के लिखने पर उसका निशान अगले पेज पर भी उगता है और इससे अगला पेज भी प्रभावित होता है। इससे हाथ बहुत जल्द थक जाता है और हाथ में दर्द होने लगता है और आप फास्ट भी नहीं लिख पाएंगे। दोस्त, अगर आपका हैंडराइटिंग ज्यादा खराब है तो इस पोजीशन में आप पेन को पकड़िए और आपका इंडेक्स फिंगर बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं। और आपका कलम जितना इंडेक्स फिंगर की ओर आगे बढ़ेगा उतना बेहतर रहेगा, और जितना थंब की ओर आएगा तब आपका हैंडराइटिंग खराब होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो दोस्त, कलम को पकड़ने का पोजीशन नोट कर लीजिए और कलम पर प्रेशर ज्यादा मत डालिए। नंबर 2, 2 शब्दों के बीच में गैप जरूर रखें। 2 शब्दों के बीच में गैप इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपका हैंडराइटिंग स्मूथ दिखता है। आप 2 शब्दों के बीच में कम गैप भी ना रखें और ज्यादा भी ना रखें, और जितना हो सके हर शब्दों को बराबर लिखने की कोशिश करें। नंबर 3, लिखने का ज्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्त, किसी भी काम में जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हम उसमें परफेक्ट नहीं बन सकते। दोस्त, आप जितना लिखेंगे उतना आपका हैंडराइटिंग बेहतर होते जाएगा और फास्ट लिखने का हैबिट भी बन जाएगा जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो दोस्त, ये 3 टिप्स को फॉलो करिए और देखिए कि आपका हैंडराइटिंग कितना जल्दी सुधर जाता है। कैसा लगा वीडियो दोस्त, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।